अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अभी हम अपने रैबिट हाउस में बैठे हुए हैं और बैठना तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे रैबिट हाउस में रैबिट ही नहीं है। तो कल की वीडियो के लिए बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई रैबिट हाउस तो बनवा लिया आपने, अच्छा बनवाया है, लेकिन उसके अंदर रैबिट नहीं है यार, प्लीज रैबिट तो रख लेना, हमें रैबिट देखना है। तो यार रैबिट ना रखने की वजह थोड़ी ये भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होने की वजह से ना दिल ही नहीं करता कि बेचारे जानवरों को यार तंग किया जाए। मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कमेंट्स में कि भाई कुछ नहीं होता, आपका जो सेटअप है उसके अंदर छांव है तो एक पेयर कम से कम रख ले, हमें पता चल जाए कि रैबिट सरवाइव कर लेते हैं गर्मी में या नहीं कर लेते। तो यही फिर मैंने आज सोचा कि चलो जी यार जिस तरह से आप भाई कह रहे थे उस तरह से आज करते हैं। पसीना यार बहुत आ रहा है मुझे, सीते मेरा दिमाग फट दे सी, एक मिनट रुक। तो यार हम जाने ही लगे थे तो यार अचानक से मौसम जो है ना इतना जो है ना शदीद किस्म का खराब हो गया है, मट्टी धूल आंधी शुरू हो गई है। सॉरी, गर्मी थी सुबह और पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अचानक से इतना अच्छा मेरे लिए भाई अच्छा मौसम है, मैं तो जाओ ले आओ, मैं नहीं आ रहा भाई इतनी। तुम साथ चलो ना सकते यार, नहीं जा सकते यार, रास्ते में खराब हो गया मौसम, कुछ फंस गए हम रास्ते में, क्या होगा फिर? रैबिट लेने हमने, चले साथ चले, मैं और अब्दुल्ला अच्छा ठीक है, यहाँ मेरा भी मशवरा है, चलते हैं चले अनिल बाइक निकाल। नहीं भाई, मैं भाई सिप्तान भाई के साथ, यार चल मैं तराब भाई के साथ, मैं जाऊँगा, मैं जाओ तुम दोनों जाओ ले आओ ले आते यार, मट्टी धूड़ है मसले मजाक यार, कोई बात ही यार, मौसम को इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए यार। एंजॉय तब करेंगे जब बारिश आएगी, इस मौसम को कोई पागल ही होगा जो एंजॉय करेगा, मट्टी वाले मौसम को कौन एंजॉय करता है? सारे करते हैं, सिर्फ शान करता है बस। यार सितेन मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश आ गई ना मसला हो जाएगा, वो देखें बादल देखें यार, काले बादल आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में बहुत तेज बारिश भी आ सकती है और बहुत मट्टी चल रही है यार, तो करते हैं। हाँ यार कल चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो जाता है। बकरा कहाँ लेके यहाँ पे खड़े थे, गुम हो गए लेके, यार इतने खराब मौसम है कि गुम ना हो जाए यार, चलो यार, बकरा तुमने क्यों दिया यार, यार बकरे को लेके यार उसकी आंखों में मट्टी चली जाएगी, अंधा ना हो जाए वो। अगर ये हवा जो है ना, असल में मसला ये है कि हवा आती है बारिश से पहले और हमारे यहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा होती है हमारे शहर में, जिसकी वजह से मट्टी उड़ती है और सारे मौसम का मज़ा ख़राब कर देती है। तो यार जाते जाते बारिश शुरू हो गई है, तेज वाली बारिश, तेज वाली, मैंने कैमरा जो है ना उसको दे दिया, अब मैं आईफोन से बता रहा हूँ तो इसमें पानी चला जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। वीडियो देखते हो, अच्छी लगती है वीडियो, ठीक है घर जाओ, बारिश हो रही है, जाओ जाओ नहाने आया, चलो नहाओ फिर मजे करो, आ जाओ। तो यार बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, अचानक से मौसम बहुत सुहाना हो गया और मैंने पूरा इरादा किया हुआ था कि आज मैं बारिश में नहाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। ओहो देखिए यार कितना, कैसे वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, कुछ पता नहीं चलता यार वक्त का। बकरे को यार क्यों तंग कर रहे हो यार, बकरे को तंग ना करो यार, तो आपको गुस्सा आ गया इस पे, देखो बकरे को तंग कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान और जानवर में फर्क होता है, तुमने हर किसी को अपनी तरह जानवर समझा हुआ है। भाई मैं जानवर थोड़ी हूं, बस 2 मिनट के अंदर अंदर बारिश आ गई, देखो ये देखो दुआएं रंग ले आई हमारी, मजा आ रहे शंग। चलो चलो चलो, पर पता नहीं किसकी दुआ लगी है आज, देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, भाई मेरी दुआ लगी, किसी की नहीं लगी, मेरी दुआ लगी, सही है, कबूतर खुले हुए हमारे पागल, चलो ऊपर चले, चलो चलो। भाई ऊपर आ गए यार हम, अब देखते हैं कि कबूतर इधर बैठे हैं, ये भी गिर गया यार, हालात खराब हो गए यहाँ पर, इसको बंद कर लो, बल्कि इसको जो है ना उस साइड में लेके बंद कर दो, करो 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 करो। यार हमें जहन में नहीं था कि हमारे कबूतर भी खुले हुए हैं, ज्यादातर हम बंद ही रखते हैं,
तो देखें खुले में, और यहाँ पर बारिश नहीं आई। देखें यहाँ पे खुश्क है जगह, इस साइड पे बिल्कुल ठीक जगह पे बैठे हुए, ये शुक्र है। तो बहुत भारी हो गया। तो पानी है ना, इस वजह से भारी हो गया। जोर लगाओ भाई, लगाओ लगाओ, यही सजा है तुम्हारी, क्यों नहीं किया तुमने। यार जो हमने सेटिंग बनवाई थी ना, बिल्कुल परफेक्ट थी। बारिश से जो है ना ये सेफ रहेंगे, हमारे खरगोश होंगे यहाँ पे या किचन में या गोट फार्म में। देखें ये सारी जगह खुश्क है, थोड़े थोड़े पानी गिरे, वो हवा की वजह से, वो जहाँ से आता होगा पानी। बाकी बिल्कुल सिक्योर है जगह, कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है। बाकी तुराब ने यहाँ पे सेटिंग कर ली। अब देखें कबूतरों ने देखा ना अपना डरबा, पहले तो नजर भी नहीं आ रहा था इनको, अब नजर आए तो देखें कैसे आगे उसके करीब अंदर जाना चाहते हैं। तो आप इसको जल्दी से जो है ना खोलो, ताकि हमारे सारे कबूतर अंदर जाएं। अंदर पानी नहीं है, अंदर क्यों? सही है। अब एक काम करो, एक शीट पड़ी थी वो भी ले आओ, इसके ऊपर डाल देते हैं हम। शैन हट जाओ, सामने से हट जाओ, कबूतरों को आने दो। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड, सही है यार। मुर्गियां कहाँ हैं तो आप? मुर्गियां नहीं नजर आ रही। मुर्गियां कहाँ गई हैं? इधर तो नहीं है। मुर्गियां हैं जी यहाँ पर, यहाँ पर बैठी हैं। ठीक है ठीक है, मुर्गियां बिल्कुल सिक्योर है, कोई मसला नहीं, इनको बंद है जगह। ओके कोई हो, जाओ भाई कर लो सेटिंग, मैं इधर नहीं आ रहा, पानी है सारा, तो तुम जो है ना कर लो सेटिंग। हाँ खोल दो खोल दो खोल दो, सही है। हट जाओ अब, ये यार कबूतर अंदर जाए, ताकि सारे कबूतर जो है ना अपनी जगह पर चले जाएं, बस ये एक रहता है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, शयान हटो यार, ये डरा रहा है उसको बार बार, अब यहाँ पे बैठ गया ये। ओए ओए पकड़ लिया पकड़ लिया, शुक्र है यार। चलो बंद करो बंद करो बंद करो, इसको बंद करो, बस खत्म कहानी, सारे अंदर चले गए अब। सही है सही है सही है सही है सही है भाई, तेज हो गई बारिश, मजा आएगा भाई, जितनी तेज होगी उतना मजा आएगा। यार बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, हमने सारे परिंदों को, सारे जो है ना हमारे कबूतर बकरियां वगैरह, बकरी तो एक ही है बकरा, मतलब सबको हमने जो जो है यहाँ पे सबको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल सिक्योर है, उनको कोई मसला नहीं होगा। गर्मी ख़त्म हो गई, बारिश आ गई, हमारी दुआएं कबूल हुई। यार हमारे परिंदों को बहुत जो है ना डिस्टर्बेंस थी, अब ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अब देखते कब तक इतना अच्छा मौसम रहता है, कोई पता नहीं यार, जैसे अचानक से बारिश आ गई ना, वैसे अचानक से गर्मी भी आ सकती है। हैबिट हाउस तो हमारा बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं गोट फार्म की क्या पोजीशन है। ओके चलो भाई, बारिश की शिद्दत भी आप देख सकते हैं, बहुत तेज बारिश है। तो यहाँ गोट फार्म में यहाँ पर पानी ही पानी है, बकरे नहीं बारिश में ठहर सकते। सही बात है, लेकिन असल में बारिश का रुख है इस साइड का, यहाँ से हवा आ रही है, तो जिसकी वजह से जो है ना पानी यहाँ से आ रहा है हवा की वजह से। ये जगह बंद तो नहीं करा सकते, तो फिर भी ठीक है, गर्मी में ठीक है, सर्दी में हमें गोट को जो है ना या नीचे शिफ्ट करना होगा बारिश के टाइम। अभी सर्दियों को बोल दे रहे तुम, छोड़ो सर्दियों को। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो रुकी है, लेकिन हमारी छत का जो हाल हो गया ना, ऐसे लग रहा है तालाब हो, और हमारा चिकन का घर और हमारी मुर्गियों का घर, हमारा मास्टर केज, हमारी पूरी छत पानी से भर गई है। यार सिपेन इसका हल निकालो कोई, अब बहुत पानी हो गया यार, सारा मास्टर केज देखो तुम भाई। ये देखें कबूतरों का डरबा ठीक है, अंदर इसके साइडों पर सारा पानी है, हमारा जो चिकन हाउस है उसके अंदर तक पानी है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक है निकासी, वो जो है ना मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहीं पे होती थी ये है। ये बंद हो जाती है क्योंकि कचरा वचरा आ जाता है ना इसमें, तो जब बारिश हो जाती है उसके बाद ही हमें इसको खोलना होता है, और ऐसे ऐसे करना होता है जिससे ये पानी जो है ना अंदर जाता है। यहाँ पे देखें ये जा रहा है पानी, यहाँ पे सारा पानी है, यहाँ तक बिल्कुल पानी पानी पानी, ये देखें यहाँ तक पानी है और काफ़ी ज़्यादा है। अंदर भी देख लेता हूँ मैं, अंदर भी पानी ही हो गया भाई, अंदर पानी, ये देखो फुल। यार बारिश में मतलब ये मसला हो सकता है, इसका जुगाड़ करना होगा। इसका जुगाड़ ये है, हमसे गलती हो गई, इधर हम ना एक छोटा सा फर्श बनवा लेते, जिस तरह से हमने गोट फार्म और रैबिट हाउस का नहीं बनवाया था, उस तरह से, ताकि
हमारी मुर्गियां सेव रहे, ये हमने गलती की। एक और काम कर सकते हैं हम, पता क्या, यहाँ पे एक ऐसे ईंटे लगा के ना, ताकि पानी जो है ना यहाँ तक आके रुक जाए, आगे की तरफ ना आए। ये वाली खोली है निकासी? हाँ ये खोल दिए मैंने। मास्टर किसको देखो, फुल हो गया है ये भी। ये यहाँ तक कैसे, यहाँ पे तो देखो बाढ़ लगी हुई है, फिर भी पानी देखो कितना। ये निकासी नहीं है, ये निकासी वाला पानी जाता है अंदर। भाई ये जो छोटे छोटे मसले हैं ना, इसका हल हमें निकालना होगा। अब क्या हल निकालें यार, पानी तो आता है ना, जब बारिश आती है तो पानी आता है यार। तो वो तो इसलिए तो आता है, तो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं ऐसे सीधा, ऐसे लगा के ईंटे सीमेंट से थोड़ी सी, जैसे एक एक फुट की, मतलब आधे फुट की, तो पानी अंदर नहीं जाएगा, यहाँ तक ही रहेगा, जितनी बारिश भी है और जितना पानी भी है। यार हमारे कबूतर ना फुल डरे हुए हैं, क्योंकि बारिश आई है बहुत तेज, और इन्होंने सामने ये मंजर देखा होगा तो अजीब सा इनको लग रहा है कि यार इतना गर्मी में अचानक इतना पानी आ गया, और इनके घर में भी पानी गिर रहा है। देखें थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, अभी गिर रहा है, पहले नहीं गिरा होगा, क्योंकि ऊपर हमारी ना पहले शेड थी, हमने चादर वगैरह डाल दी थी जिससे पानी नीचे नहीं आएगा। देखो ये मैंने किया है। चलो अच्छी बात है, स्पीड से जाएगा। बात सुनो, अभी कचरा फंसेगा इसमें, तो इसको इसको निकालने की कोशिश करो। मैं मास्टर केज में जाता हूँ यार, मास्टर केज के हालात देखते हैं। मैंने अपनी गोल्डन फिंचेस को दोस्तों यहाँ से निकाल के ना, यहाँ पर लटकी हुई थी ना, वो सामने रख दिया है, और अब देखते हैं उनकी हालत किस तरह की है, डरी तो नहीं हुई। ये सारा पानी दोस्तों छत से आता है नीचे, और कुछ निकासी से अंदर की तरफ आता है। पता नहीं यार क्या सीन है, अब कैसे निकालेंगे। सिपाहियों पूरी कोशिश करो जल्दी से निकल जाए, ये पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी। यार गोल्डन फिंचेस देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यार डर लग रहा था, बिल्कुल भीगी हुई थी ये। हम ये पिजन का बच्चा देख लें, ये ठीक है, इसकी हालत तो ख़राब होगी, लास्ट टाइम यार बारिश में मर गए थे हमारे खुमरों के बच्चे, और अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो ये हम रख लेते हैं वापस। और मुर्गियाँ सिपाहियों, मुर्गियाँ नज़र नहीं आ रही यार, कहाँ हैं मुर्गियाँ हमारी? मुर्गियाँ यार ये घूम रही हैं, ये देखें, ये गोट फार्म में आ गई हैं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे देहात का माहौल होता है ना, वैसे लग रहा है यहाँ पर बकरियाँ हों, वहाँ पर फिर क्या मुर्गियाँ अपना दाना वगैरह चुग रही हों, वैसे ही सीन लग रहा है। तो खैर यार हमारा पानी छत का सारा साफ़ हो गया है, सिपाहियों ने हिम्मत की है, बैठा हुआ है, और माशाल्लाह यार सारा साफ हो गया। ये तो इतना जल्दी, मैंने समझा था कि 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्या किया तुमने ऐसा यार, माशाल्लाह यार ये भी सारा साफ हो गया है हमारी मुर्गियों का घर। इधर का देख लेते हैं, ये वाला गिर गया, हाँ ये भी बिल्कुल साफ हो गया, सारा फर्क भी जाए जैसे था ही नहीं। और यहाँ पर मास्टर केज में थोड़ा सा पानी है इधर निकासी में, और इसकी वो यार बोतल का ही लगा दो, नहीं तो लास्ट टाइम की तरह हमारी डायमंड डव यहाँ से निकल गई थी, याद है तुम्हें, ये वाली निकासी अंदर दे दो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का प्लान था रैबिट लेने का, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से हम रैबिट नहीं ले पाए, और इंशाल्लाह कल जाएंगे या परसों जाएंगे, देखेंगे जिस तरह से मौसम हमारा साथ देगा उसी तरह से हम उसके साथ चलेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।